हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिंकी और आज मैं आपको पास्ता बनाना बताऊंगी। मैंने पास्ता के साथ माइक्रोनी को भी ऐड किया है। दोनों को मैं एक साथ में बनाती हूँ, मेरे बच्चों को दोनों को एक साथ में पसंद है। चलिए मैं आपको पास्ता बनाने के लिए सामान बताती हूँ क्या क्या लगेगा। सबसे पहले ये देखिए माइक्रोनी, ये मैंने बॉयल कर ली है और 250 ग्राम है। और ये है सोया बड़ी जिसको मैंने बॉयल कर लिया है और निचोड़ भी दिया, उसका पानी निकाल दिया है जो उसमें एक्स्ट्रा पानी था वो। और ये है दो बड़े टमाटर, ये अनियन, ये पंचिंग तरीके से कटी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे जैसे हम लोग पकोड़े में डालते हैं वैसे। दो हरी मिर्च है और ये है मैगी मसाला जो मैगी के पैकेट में से बच गया था तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिससे अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो मसाले के पैकेट बाज़ार में मिलते हैं उनको भी ले सकते हैं। ये है एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच धनिया और ये है गरम मसाला जो मैंने पास्ता के लिए घर पे मैं बनाती हूँ। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और नमक और रिफाइंड ऑयल। चलिए अब हम पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई रखते हैं, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं, इसमें डालते हैं, ये देखिए मैं इसमें 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूँगी। थोड़ा सा और डाल दूंगी, मुझे कम लग रहा है। तो अब हम इसको गर्म होने देते हैं। रिफाइंड गर्म हो गया है, अब हम इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का पकने देंगे, बस गर्म होने देंगे प्याज को। प्याज हल्की सी गर्म हो गई है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब इनको अच्छे से पकाना है क्योंकि बच्चों को टमाटर दिखता है तो वो लोग खाते नहीं हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। इसमें आप शिमला मिर्च और पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं, बीन्स वगैरह, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इसलिए मैं टमाटर और प्याज ही डालती हूँ। आप चाहें तो बीन्स और पत्ता गोभी, शिमला मिर्च ये भी ऐड करके बनाएंगे तो वो बहुत टेस्टी लगता है। मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। टमाटर मेरे लगभग लगभग पक गए हैं। ये देखिए प्याज हमारा पक गया है अच्छे से। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक जो है मैं पहले ही ऐड कर दूंगी और हल्दी पाउडर भी अभी डाल दूंगी। इसको मिला देंगे। इसके बाद अब हम इसमें सोया बड़ी डालेंगे। अब हम इसमें मिर्च ऐड कर देंगे, लाल मिर्च जो मैंने लिया था, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें पास्ता डाल देते हैं। पास्ता को ज़्यादा चलाना नहीं है, हम इसमें धनिया पाउडर जो हमने लिया था सबसे पहले वो डालते हैं। इसके बाद जो गरम मसाला मैंने बनाया था वो डालते हैं और ये जो मैगी मसाला जो मैंने काट लिया था 1 पैकेट वो डालते हैं। और इसमें हम
आधा चम्मच नमक और ऐड कर देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। थोड़ी देर चलाने के बाद में पास्ता हमारा बनकर रेडी है। ये टमाटर सॉस और सोया सॉस है, अब हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे। आप देख लीजिए सिल्का है, सोया सॉस के बगैर तो माइक्रोनी पास्ता का टेस्ट ही नहीं आता। अब हम इसमें टमाटर केचप भी ऐड करेंगे। ये देखिए पास्ता हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए पास्ता हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए सारा अलग अलग है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट करें। थैंक यू। ये देखिए पास्ता हमारा सर्व करने के लिए रेडी है। आप इस तरीके से पास्ता बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने इसमें पत्ता गोभी और वो मैंने बता ही दिया है शिमला मिर्च इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए। और बच्चे कम तीखा खाते हैं, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर वगैरह अच्छे से डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।